हाँ हो गया इंस्टॉल। हाँ ये ना हो रहा है अभी। ये वाला? जय हिंद। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद जय हिंद। आइए सामने आइए 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 यहाँ लाइन लगाइए। क्या हुआ मैडम सर? आइए तो। पिल्लू आप भी। हाँ मैडम सर मैं। अब आप सब अपना अपना फोन इस डब्बे में डालिए। नहीं नहीं मैडम सर, फोन रखने के लिए तो हमारी यूनिफॉर्म में जेब है, तो फिर डब्बे में रखने की क्या जरूरत? उफ, ये माँ मोबाइल। मैडम सर मोबाइल डालिए, फिर भी डालिए डालिए डालिए। मोबाइल फोन एक दूसरे से बात करने के लिए बना है, लेकिन आजकल इस फोन के चक्कर में हम एक दूसरे से ही बात नहीं करते, पूरा टाइम फोन में बिजी रहते हैं। इसलिए हमने ये तय किया है कि हफ्ते में एक दिन हम सब फोन व्रत रखेंगे। फोन व्रत? जिस दिन ये फोन व्रत होगा उस दिन सुबह सुबह आएंगे, आप डब्बे में अपना फोन रखेंगे, ड्यूटी खत्म हो जाने के बाद अपना फोन लेंगे और घर जाएंगे, और इसके बीच कोई फोन के बारे में सोचेगा भी नहीं। क्लियर? क्लियर मैडम। क्लियर मैडम सर। बिलौटू का फोन रह गया। आओ आओ आओ। जाओ ना दो ना जाओ। बस पक्का? हाँ। चीता इन सारे फोन्स को एक डब्बे में डाल के अंदर रूम में रख दो। ठीक मैडम सर। हाँ जी, महिला पुलिस थाने जनपद लखनऊ, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। कहिए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? मैडम जी, अमीनाबाद में टाइगर आ गया है। क्या? हाँ तो उसकी किसी फिल्म की शूटिंग के लिए आया होगा ना? वैसे हमें भी टाइगर बहुत पसंद है। क्या काम किया ना उसने बागी फिल्म में? अरे मैडम जी, वो टाइगर नहीं, जंगल वाला टाइगर, रियल वाला शेर, वो आ गया है। क्या अमीनाबाद में बाघ आया है? पुष्पा जी फोन दीजिए, फोन दीजिए, फोन दीजिए। हेलो जी बोलिए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। क्या हुआ क्या हुआ मैडम सर? ब्रेकिंग न्यूज, अमीनाबाद में घुसा है एक टाइगर, जिसकी वजह से लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। आसपास से खबरें मिली है कि कुछ लोकल लोगों पे भी उस टाइगर ने हमला कर दिया है। लोगों का मानना है कि जब से नवाब साहब ने अपनी जमीन बिल्डर को दी है, तब से बिल्डर ने आसपास के सारे जंगल कटवा दिए हैं, जिसकी वजह से वो जंगली जानवर शहर में घुस आए हैं। अरे यार रिपोर्टर, शेर तेरी तरफ आ रहा है। दर्शकों जैसा कि आप, वो तो शेर है बिल्कुल मेरी तरफ चलता हुआ आ रहा है, लेकिन आप सब याद रखना की ये न्यूज सबसे पहले मैंने आपको दी थी, इसलिए आप सबके लिए आखिरी बार ब्रेकिंग न्यूज। अरे चट्टा, चलिए 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 करिश्मा सिंह जल्दी चलिए। आप अपना ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना। पुष्पा जी आप भी ध्यान रखना। भाई साहब भाई साहब, टाइगर कहाँ है? उस तरफ गया मैडम। मैडम सर, उस शेर ने मुझ पे भी हमला किया था। क्या? मैं तो बाल बाल बच गया, पर मेरा कैमरा नहीं बचा। क्या हुआ नवाब साहब आप यहाँ? हमारी अनारों को बचा लीजिए, वो टाइगर उसे उठा के ले गया है। जल्दी से वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू को कॉल कीजिए और ये सारे लोगों को हटाइए यहाँ से, बोलिए जाए यहाँ से, ये सेफ नहीं है। जल्दी जल्दी जल्दी, शांत शांत रिलैक्स हो जाइए। ये बताइए कि अनारो आपकी बेगम है या बेटी? लाहौर का कुबत। अरे अनारो ना हमारी बीबी है ना हमारी बेटी, मतलब माशूक है। अरे बकरी है बकरी। अरे जिसे वो कंजर टाइगर उठा के ले गया है, हमारी प्यारी बकरी। बकरा है जी, बकरा नहीं बकरी है। नवाब साहब, वो टाइगर आपकी बकरी को जबड़े में दबोच के उधर गली में लेके गया, उधर दीवार के पीछे। अरे नवाब साहब, संभालिए संभालिए संभालिए।
हसीना मैडम, आप हमारी अनारों को बचा लीजिए उस जालिम से। घबराई मत, कुछ नहीं मैडम, मैडम मेरे बच्चे को बचा लीजिए मैडम, मेरा बच्चा भी वो गली में खेल रहा था, मैडम बचा लीजिए। आप बेफिक्र रहिए, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। करिश्मा सिंह, रेस्क्यू टीम का इंतजार हम नहीं कर सकते, हमें खुद जाना होगा। मैडम सर, एक बार फिर से सोच लीजिए, वहाँ बहुत खतरा है। ये सब हमने पुलिस की वर्दी पहनने से पहले ही सोच लिया। चलिए मैडम, अरे हमारी बकरी उस जालिम के जबड़े में फंसी हुई है। बच जाएगा बकरा तुम्हारा। अरे बकरा नहीं, बकरी। याद रखिए, ये गन सिर्फ हमारे प्रोटेक्शन के लिए है, हमें किसी भी कीमत पर टाइगर पे गोली नहीं चलानी है। यस यस ओके ठीक है। अनारो, अनारो। आराम से, आराम से। करिश्मा सिंह, आप जिस तरह से अपना भौकाल दिखाने के लिए चिल्लाती है ना, एक बार वैसे चिल्लाइए। नहीं नहीं मैडम सर, इस बार आपका जज्बात काम आएगा। क्या है, जज्बात से आपने इतने लोगों को सुधार दिया, तो जज्बात से आप इस शेर को तो सुधार ही देंगी। आप कीजिए। ये बाघ और बकरी की आवाज आना बंद क्यों हो गई? आप क्या करें, बच्चा कहाँ है? मेरी बकरी। करिश्मा सिंह, आप पेड़ पर चढ़ने में एक्सपर्ट हैं, चढ़कर देखिए उस तरफ क्या हो रहा है। नहीं, हम दिन में फटाक से चढ़ जाते हैं, रात को हमारा आंखों का रोशनी ठीक नहीं है, हमारा पैर फिसल जाएगा, आप देखिए। हटिए फिर। दीवार की उस तरफ नहीं है। अच्छा मम्मी, मुन्ना मुन्ना, थैंक गॉड। मैडम सर जी, नहीं नहीं ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। अरे ये रस्सी ले रहा हूं, यही रस्सी पहनाई थी मैंने अनारों को, मेरी अनारों को खा गया वो जालिम। अरे मैं बिना अनारों के कैसे जी पाऊंगा। अनारों, मैं कसम खाता हूं इस टाइगर को मैं छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। पुष्पा जी। ओहो। हाँ हाँ पुष्पा जी, ये वही फाइल है ना जो आप ढूंढ रही थी? ओहो हो, हाँ हाँ यही फाइल है, थैंक यू संतु। ओहो हो, क्या हुआ चीते? पुष्पा जी, पुष्पा जी, शेर ना नवाब की बकरी अनारों को खा गया है, हाँ फरार अब तक नहीं मिला। क्या, नवाब जी की बकरी खा गया शेर? ओहो पुष्पा जी, मुझे ना बहुत ज्यादा डर लग रहा है। काम करते, सारे दरवाजे बंद कर देते, अगर शेर थाने में आ गया, हम पे हमला कर दिया, हाथ पैर तोड़ के चला गया तो? संतु जी प्लीज प्लीज प्लीज, शुभ शुभ बोलिए, ऐसा भी तो हो सकता है ना, हम लोग का जान मार दे, हम लोग को फाड़ के खा जाए। ओहो, तो फिर ये तो शेर के लिए शुभ हो गया ना, हमारे लिए कैसे? पुष्पा जी बहुत ज्यादा डर लग रहा है, अगर हमें कुछ हो गया तो? ऐसे कैसे कुछ हो जाएगा संतोष जी, आपको हम है ना यहाँ पर। अरे हटा सावन की घटा, कुछ नहीं हो सकता संतोष जी आपको, टाइगर और आपके बीच में हम है। बिल्लू तो स्पाई, टाइगर से क्या डरना है? टाइगर से क्या डरना है? ये आदमी देखिए, इसका शक्ल देखिए एक बार,
कॉकरोच के मूंछ पर गलती से एक बार इसे पैर पड़ जाता है तो 26-26 घंटा तक यहाँ पर कूदता रहता है। हम इसको नीचे उतारते हैं, टाइगर से क्या डरना है। अरे चीता कॉकरोच का लेवल एकदम नीचा, चिल्लार। टाइगर का लेवल एकदम ऐसा मेरे सामने एकदम टक्कर का टक्कर। अरे टाइगर मुझे देख कर ना एकदम भीगी बिल्ली बन जाता है, ऐसा श्रिंक हो जाता है। बताइए। मैं एक गांव का किस्सा सुना तो, इधर 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 क्या हुआ। एक बार मैं सिर्फ 12 साल का था, 12 साल का बस, और तभी एक टाइगर ने हमारे गांव के लोगों पर हमला किया। सब चिल्ला रहे थे, पुकार रहे थे, बिल्लू को बुलाओ, बिल्लू को बुलाओ, बिल्लू को बुलाओ, बिल्लू 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 बिल्लू। मैं तो स्कूल में था, लौट के आया तो पता चला टाइगर ने हमला किया है। तब मैं सोचा कि एक गांव में दो टाइगर कैसे हो सकते हैं। एक मिनट, दूसरा टाइगर कहां से आया? अभी तुम बोले ना कि गांव में एक ही टाइगर था। दूसरा टाइगर हम जीते, हम। और तू ना अपना मुंह बंद कर, नहीं तो वाइल्ड लाइफ वाले को बोल। कहानी 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 कहानी। उस रात टाइगर मेरे सामने आया, मैं उसके सामने आया, उसने मुझे देखा, मैंने उसको देखा। बिल्लू जी, इतने रात को टाइगर आपको देख पा रहा था? संतोष जी डिस्टर्ब मत करो। हाँ, टाइगर को। संतोष जी प्लीज। ओके ओके कंटिन्यू। तो कहा था मैं, टाइगर मुझे घूर रहा था, मैं टाइगर को घूर रहा था। यो घुर्रा घुर्री चल रही थी, तभी अचानक टाइगर देखिए, टाइगर। अरे डरने वाली कोई बात नहीं, ये हमारे फोन का रिंगटोन है, लगता है हमें किसी ने याद किया। हाँ नहीं, लेकिन आपको याद है ना, आज फोन व्रत है, आप उठा नहीं सकती। अरे एक फोन उठाना मतलब व्रत वाले दिन एक अंगूर खाने जैसा है, अगर हमने फोन नहीं उठाया ना तो बेमतलब की काटापिटी हो जाएगी। अच्छा, ऐसे किसका फोन आ रहा होगा आपको? हमारे दर्जी का। अरे यूं गए यूं आए, कुछ नहीं होता, एक फोन एक फोन। अरे अगर टाइगर मेरे सामने आके भाग ना गया ना तो मेरा नाम बदल देना। हाँ ठीक है गोवर्धन प्रसाद। ये क्या है, तुम्हारा नया नाम सोच रहे, कैसा लगा ये वाला? टाइगर के सामने था मैं, टाइगर मेरे सामने, मैं टाइगर के सामने। टाइगर ने एक कदम आगे बढ़ाया, कदम पीछे, फिर टाइगर धीरे धीरे चलता गया और उसने ये ऐसी पूंछ उठाई और लहराई। वो डर गया मुझे देख के, बिल्ली बन गई इसकी। रोज चलते 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 से जंगल में भाग गया। हाँ मास्टर जी, हम ना थोड़े अभी पतले हो गए हैं। हाँ हाँ हो गए हैं, इसलिए वो फिटिंग जो है ना पैंट का। राम 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 राम। हे भोलेनाथ भोलेनाथ भोले, लल्ला के पापा, लगता है बहुत जल्द हम आपसे मिलेंगे। रिंगटोन पुष्पा जी की। हे इन बिल्ली बड़ी हो गई। टाइगर आया है और असली का टाइगर गया इधर से बिलोटे। टाइगर
मैं कर सकता हूँ, मैं अपने पिंजरे में बंद हो सकता हूँ। नहीं नहीं, एक्सपीरियंस है ना, और कुछ जाने को एक्सपीरियंस नहीं। बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, अब झूठ मत बोलो। तुम ही कहा था ना, शेर तुमको देख के भीगी बिल्ली बन गया था, वो आया है तुमसे मिलने के लिए, नाराज मत करो, चलो मिलो उसको। उस वक्त मैं 12 साल का था, अभी मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे समझ आ गई है। अभी 60 साल की हो, 4-5 शेर संभाल लोगे? चलो चलो इतने टाइम से मैं चीता को नहीं भगा पाया, उस टाइगर को कैसे भगाऊंगा? चल मिलाते। मैं औरतों से लड़ता नहीं, औरत से लड़ना भी नहीं है, टाइगर बैठा हुआ है उससे लड़ना, जाओ ना यार, जाओ ना। नहीं, लेकिन ये टाइगर फीमेल भी हो सकता है ना, देखो जानवर हो या इंसान, मैं भेदभाव नहीं करता। कैसा 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 एकदम हमारा टाइप घूम रहा है, मर्द है, मेल है, जाओ बिलौटे, जाओ वीरता दिखा कर, जाओ ना यार। इग्नोर कर दो, देखो आज मेरा व्रत है। अरे नहीं नहीं नहीं, हो सकता है ना उसका भी व्रत है तो आपको कुछ नहीं करेगा। संतोष जी, मेरे माँ का फोन आने वाला है। तो अच्छी बात है, फोन भी अंदर ही है। ये मार्केट में इतना सन्नाटा क्यों है, कोई दिखाई नहीं दे रहा? पता नहीं मैडम सर। मैडम, क्या क्या हो क्या रहा है यहाँ पर, ऐसे क्यों तुम लोग, और ये क्यों खड़े खड़े कांप रहा है? मैडम सर का बैठे बैठे कांपे का? अरे कांप ही क्यों रहे हो बिल्लू, क्या हुआ? मैडम टाइगर के डर से कांप रहा है। हाँ तो डर भगाने के लिए बुलाया ना वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम, बुलाया है ना, आ रही है ना बचाने। मैडम सर प्लीज कुछ कीजिए, जब तक वाइल्ड लाइफ आएगा ना तब तक ही टाइगर हम लोग को डिनर समझ के खा जाएगा मैडम सर। ये टाइगर मतलब क्या चीता, साफ साफ बोलो। मैडम सर थाने में टाइगर घुस आया है। मैडम सर उधर ना जिम रूम में बैठा हुआ है, डिनर के पहले वाला वर्कआउट कर रहा है। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो, चलो भाग जाओ। नहीं मैडम सर सुनिए, लेकिन वो सब बाद में, लेकिन लेकिन बात में होगा, चलो चलो चलो, दरवाजा बंद करो जल्दी। संतोष जी सॉरी, बहुत ज्यादा मासूम है आप। अभी हमारी उम्र ही क्या है? मैडम सर सुनिए। पुष्पा जी। क्या पुष्पा जी जिम रूम में। हमें तो ये पहले क्यों नहीं बताया संतू? मैडम सर ने नहीं बताने दिया। अरे यार रेस्क्यू टीम को फोन लगाओ जल्दी, आज फोन व्रत है, वो फोन भी अंदर है। अरे क्या करें मैडम सर वो टाइगर मिला का टाइगर। तुम्हारा फोन दो जल्दी, फोन दो। फोन ये लीजिए। ओके जल्दी फोन करिए, चलो इसको। क्या हुआ ये, क्या हुआ तुझे, डर गया? हेलो हम महिला पुलिस थाने से बोल रहे हैं, टाइगर पुलिस थाना के अंदर है, आप प्लीज जल्दी से आ जाइए। देखिए मैडम हम रास्ते में हैं, अभी आप ही ने हमें फोन करके शहर के दूसरे कोने में बुलवाया है। अब यहाँ से वापस आने में मैडम कम से कम 2 घंटे लगेंगे, तब तक आप थाने के आसपास किसी को भी जाने मत दीजिएगा, ठीक है? कहाँ हो संतु जी? उनको आने में और 2 घंटे लगेंगे। कहाँ? जी पुष्प।
पुष्पा जी भी ना, जब फोन व्रत था तो का जरूरत था अंदर जाने का? खुद तो मरेंगी, हमको भी मरवाएंगी। आप ही की सासू माँ, चाहिए बचाइए अब उन्हें। आपकी सासू माँ है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। नहीं, आपकी भी तो जूनियर है ना, तो आप बचाइए फिर हम बचाइए। बिल्ली की आवाज कैसे आ रही है? ये पुष्पा जी का रिंगटोन है, उनका फोन बज रहा है। पुष्पा जी का फोन अलमारी के ऊपर छूट गया। ये टाइगर उस बिल्ली को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। हाँ, एक मिनट। हाँ, पुष्पा जी, देखिए हम और करिश्मा सिंह हैं यहाँ आपको बचाने के लिए, आप डरिए मत। अभी थोड़ी देर में आपका मोबाइल फोन फिर से बजेगा और वो टाइगर आपके फोन को बिल्ली समझकर उसे पकड़ने की कोशिश करेगा। तब तक आप तुरंत संभलते हुए टाइगर के पीछे से भागकर यहाँ आ जाइए। हम हैं, यहाँ बाहर खड़े हैं, ठीक है? अगर आपको हमारी बातें सुनाई दे रही है तो आप अपना दुपट्टा हिला दीजिए। लैंडलाइन से फोन करिए पुष्पा जी के फोन पर। जाइए जाइए। पुष्पा जी आपके पीछे शेर है। उड़ गए। अरे कहाँ है वो टाइगर, कहाँ है? हैं? अरे हम अपनी अनारों का उसे इंतकाम देंगे। अरे मुझे छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे। क्यों भाइयों? एक मिनट। नवाब साहब, आप एक मासूम जानवर की हत्या करना चाहते हैं? हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे, हम उसे सही सलामत जंगल भिजवाएंगे। अरे हसीना जी, उसने हमारी अनारों को मार के खा लिया है। अरे एक बात बताइए, खुदा ना खास्ता, अगर हमारी अनारों की जगह पे इनमें से किसी एक का बच्चा होता और वो उसका वो खा लेता, फिर भी आप यही कहती? नहीं नहीं नहीं, उस जानवर की कोई गलती नहीं है, है? हम ये बिल्कुल नहीं होने देंगे, हरगिज नहीं होने देंगे। क्यों भाइयों? एक मिनट। नवाब साहब, आपको भी कोई हक नहीं है उसके जंगल में, उसके घर में घुसकर उसके घर को तहस नहस कर दे। घर घर होता है, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो, उसे प्यारा होता है। ऐसा ना हसीना जी, एक बार बताएं आपसे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे और उसे हम छोड़ेंगे नहीं। ये सिर्फ हम नहीं, पूरा शहर कह रहा है। जो भाइयों, आप जरा रास्ते हट जाइए, वरना आप ना ये भीड़ का गुस्सा जानती नहीं है। हटिए। भीड़ से भेड़िए डरते हैं,
टाइगर और पुलिस नहीं। यहाँ 100 की जगह अगर 1000 लोग भी आ जाए तब भी उस टाइगर का हम बाल नहीं बाका होने देंगे। देखा देखा, अरे भाइयों आप लोगों ने खुद देखा ना कि हसीना जी उस जानवर को बचा रही हैं। अरे जरा सोचिए कि खुदा ना खास्ता अगर वो जानवर बाहर आ गया तो हम सभी लोग उसके जबड़े के अंदर होंगे और फिर वो ये नहीं पूछेगा कि भाई कौन उसके साथ है और कौन उसके खिलाफ। मैडम जी ये देखिए उस जानवर ने कितना ज्यादा हमला किया है, कितना गहरा घाव है देखिए। हाँ मैडम सर, इतना ही नहीं हमारे घर के बाहर खूंटे में फंसी बैठ उसको भी मार डाला है। ये नहीं ये खूंटा है, इसी से भैंसिया बंधी थी। अरे हटो सामने से। अगर ये नारा हो गया होगा ना तो अपने घर का रास्ता नाप लीजिए सबकी सब। 100 मीटर की दूरी पे दिखाई देने चाहिए हमको सब थाना से, समझ गए? वो शेर बाद में मारेगा, पहले हम सबको मारेंगे यहीं पे। हाँ, देखिए मोहतरमा आप क्या कर रही हैं? ये आपको भी नहीं पता। खुदा ना खास्ता अगर ये गोली चल गई ना तो भरी जवानी में हम तो अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। भरी जवानी नहीं नवाब साहब, गुजरी जवानी। कोई अच्छा म्यूजियम ढूंढ लीजिए, वहां पे जमा कर दीजिए अपने आप को, क्योंकि यहाँ का सबसे पुराना चीज आप ही हैं, समझ गए? देखा भाइयों, अरे करिश्मा जी उस जानवर के लिए हम पर बंदूक ताने हुए हैं, लेकिन ये बचा नहीं पाएंगी क्योंकि हम महिला पुलिस थाने के सामने इतना दबाव डालेंगे कि ये लोग बाघ को हमारे हवाले कर देंगे। लेकिन जो ये जगह है ना, यहाँ खड़े रहना इस समय मुनासिब नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि 100 मीटर के दायरे के बाहर खड़े होके हम उसका इंतजार करते हैं। और भाइयों आप लोग हमारे साथ है ना? तो अपनी जगह पे खड़े रहना और जैसे ही बाल आवे वैसे उसे गोली से ठार कर देना। अकेले? अरे यार तो क्या पूरी फौज? अरे सुनो, हमको ना तुम्हारे निशाने पे पूरा भरोसा है, ठीक है? खड़े रहो। आयो चलो। सबसे पहला काम वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत नवाब के खिलाफ एक FIR लिखिए। जी मैडम सर, बस अभी लिख देते हैं। मैडम सर टाइगर के बाद अभी थाने में भूत आ गए, देखो दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चिल्लाओ मत। कौन कौन? देखो भूत 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 नहीं है नवाब साहब, जो भीड़ लेकर आए वो दरवाजा बंद कर रहे हैं। बापरे बापरे बापरे, इसका मतलब हम सब थाने में बंद हो, अंदर टाइगर आ जाए। ये पुष्पा जी बार बार बेहोश हो जाएंगी तो कैसे चलेगा? संतोष पानी नहीं आया ना मैडम सर आज भी, अभी 8:30 बजे आने वाला था पानी लेकिन रात तो इधर ही गुजर गई। संतोष जी अपना बहुत ही ज्यादा मासूम है, मतलब मासूमियत जो है ना। कोई पुष्पा जी को होश में लाएगा। हा? अच्छा तो ऐसा बोलिए ना मैडम सर, एक मिनट, पुष्पा जी आपके पीछे शेर है। आ गया, देखो देखो वो आ गया, देखो आ गया, देखो वो आ गया। पुष्पा जी रिलैक्स रिलैक्स ब्रीद। ये क्या, ये खिड़की और दरवाजे बंद क्यों है? पुष्पा जी दरवाजे हमारे मौत ने बंद किए है। बिल्कुल चुप करो। पुष्पा जी बात सुनिए, देखिए बाहर जो भीड़ है ना उसने ये सब किया है, वो चाहते हैं कि हम इस बाघ को मार डालें और हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो हमें डराने धमकाने के लिए सब कर रहे हैं। आप डरिए मत। अरे क्या मैडम सर आप डरिए मत कह रही हैं, वो बाघ हमारे लगभग गोदी में बैठने वाला था, यहाँ तक आके गया वो, उसकी वो खूंखार आंखें खूंखार दांत हम भूल नहीं पा रहे मैडम सर। अगर हमें कुछ हो जाता तो
क्या होता है हमारी लल्ला का? संतोष शर्मा, रेस्क्यू टीम को फोन लगाइए, पूछिए कितना टाइम लगेगा। मैडम से ये फोन डेड है क्या? और हम सबके फोन तो टाइगर के पास है। ये फोन तो सच में मर गया है। कहीं इस फोन का मरना ये इशारा तो नहीं कि थोड़ी देर बाद हम सब मरने वाले हैं? हमने अभी तक छोटे लल्ला का चेहरा तक नहीं देखा। अरे हम आपके पैर पड़ते हैं पुष्पा जी, थोड़ी देर के लिए अपना ओवर एक्टिंग बंद कर दीजिए, हमारा दिमाग आउट हो रहा है। संतोष, पहले जब कॉल किया था तो क्या कहा था, कब तक पहुंचेंगे वो लोग? 2 घंटे में। हाँ, 2 घंटे, इसका मतलब उनको यहाँ पहुंचने में 1 घंटा और है। आई होप तब तक ये नवाब और उसकी भीड़ शांत रहे। इस नवाब के नवाबी हम अभी जाकर निकालते हैं। माफ कीजिएगा, हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा बाहर जाने के लिए। करिश्मा सिंह, अब बाहर जाकर किससे लड़ाई करेंगी, भीड़ से? अरे हमको ये समझ में नहीं आता है, जब सारे काम आपके जज्बात और समझदारी से हो रहे हैं मैडम सर, तो सरकार ने ये बंदूक हमको काहे दे दी है? करिश्मा सिंह, बंदूक का जवाब बंदूक देती है, और ऐसी सिचुएशन में इंसानियत और जज्बात काफी है इसे हैंडल करने के लिए। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाएगी ना, उस दिन हमको इस तरह का डिस्कशन दोबारा नहीं करना पड़ेगा। चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, रिलैक्स, बाहर चलिए। नहीं मैडम सर, आइए आइए, आइए चलिए चलिए, दैट्स एन ऑर्डर, आइए चलिए चलिए, आप चलिए, मौत के मुंह में चल भी लौटे। एक काम करते हैं चीते, हमारा मदद करो, ये टेबल लगा देते दरवाजे के बाहर, तो वो बाहर आने से रोक देंगे। हाँ हाँ, चल 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 जा। डिनर के लिए प्लेट सजा दो, अलग अलग प्लेट में हम सब रख के वो खा जाएगा। सोचो वो टाइगर हमें क्या क्या डिश समझकर खाएगा। करिश्मा टिक्का मसाला, हसीना बिरयानी, पुष्पा फ्राई, संतोष तड़का, नहीं संतोष शेजन राइस, तो चीता चाट मसाला, बिल्लू भरता नहीं, बिल्लू जला हुआ भरता। पुष्पा जी, और वो नवाब उसके रूम के सब दरवाजे खिड़कियां बंद किए, दरवाजे बंद किए, बिन के दरवाजे खिड़कियां बंद आए, कहा लौटे मर जाएंगे हम लोग यार। हमने सोचा था लल्ला के पापा से मिलने से पहले हमारे लल्ला का चांद सा चेहरा हम देख पाएंगे, मगर हमारे भाग ही फूट गए। देखिए नहीं पसंद आ रहा है उसको, आपका बात नहीं पसंद आ रहा है, मत करो लल्ला लल्ला अभी। एक मिनट, आप सब लोग कुछ गौर किए? संतो जी, आप एक बार फिर से गाइए तो जरा, ये बोरी जो गा रही थी आप कहिए ना एक बार। प्लीज प्लीज संतो जी, गाइए ना प्लीज। संतु, तुम्हारी लोरे की वजह से वो बाघ जो है वो शांत हो रहा है। चुप बैठा एकदम। संतु जी, ठीक है, चल रखो, गाओ 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 गाओ। बिल्लू जी, एक ही लोरी आती थी वो तो गा, रिपीट तो रिपीट लेकिन गाओ 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 गाओ। देखिए आप लोग यहाँ से सामने सरिए, प्लीज प्लीज आप यहाँ सरिए। देखिए हम लोग रेस्क्यू टीम वाले हैं और हम टाइगर को लेके जाने वाले हैं। हम तुम्हें इस टाइगर को जिंदा ले जाने नहीं देंगे। देखो ऐसा है ना, हम कोई भी रिपोर्टिंग नहीं होने देंगे न्यूज की, क्योंकि अगर तुम लोग न्यूज चलाओगे ना तो फिर एनजीओ वाले आ जाएंगे, पूरी फोर्स आ जाएगी और सब लोग इसको बचा के ले जाएंगे टाइगर को, लेकिन हम टाइगर को जिंदा नहीं जाने देंगे। क्यों भाइयों? नहीं जाने देंगे, जिंदा नहीं जाने देंगे। ठीक है, हमको भी नहीं करना है आपके साथ काम, हमारा दिमाग का थई करके रख दिया है। क्या वो करिश्मा मैडम? अरे ये सन की औरत कौन? पुष्पा जी,
हम पुष्पा जी नहीं, हम ये जज्बातों वाली की बात कर रहे हैं। हमको समझ में नहीं आता है किसने इनको SHO की पोस्ट में नियुक्त कर दिया है। हमारे दिमाग का दही करके रख दिया है। हमको नहीं करना है इनके साथ काम, हम नहीं करेंगे। खुद तो मरेंगी, हमको भी साथ में मरवाएंगी। इसलिए बड़े बुजुर्ग ठीक कह के गए हैं कि शादी ठीक टाइम पे कर लेना चाहिए। आप ये बताइए, आप बाहर कैसे निकली? हम दरवाजा तोड़ कर आ गए बाहर। आपने हमारे हवेली का दरवाजा तोड़ दिया? देखिए, वो सन की औरत से बचने के लिए हमें आपका मुंह भी तोड़ना होता ना, तो हम वो भी तोड़ देते। ये तो सिर्फ एक घटिया दरवाजा था, और बाकी ये बात रही आपके घटिया दरवाजे की, तो बनवा देंगे इसको। कम से कम ये तो अच्छा हुआ कि एक पुलिस वाले के कान में हमारी बात तो घुसी। अब बस धीरे धीरे करके सब लोग चले जाएंगे, उसके बाद हम उस बाघ को ना पकड़ेंगे, उसका जबड़े को तोड़ देंगे। हाँ, देख लेंगे, हम भी देख लेंगे। करिश्मा जी, संतु जी तो ठीक है ना? नहीं नहीं, संतू और चीता ना बाग पे बैठ के घोड़ा घोड़ा खेल रही हैं। है क्या, लोरी सुना रही है उसको? और तुम हमारा मुंह का देख रहे हो खड़े खड़े? जाओ ना, जाके रिकॉर्ड करो वो। तुम मीडिया वैसे भी कुछ ढंग का तो छापते नहीं हो, तो जनता यही देख लेगी। थाने में कैद हो गई गोरी, जंगल से भागा बाघ, सुन रहा है लोरी। जाओ जाके रिकॉर्ड करो, जाओ जाओ, मजा यहाँ से। अरे 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 भाइयों, अरे आप लोग चलो गाड़ी के सामने आओ, सामने आओ, सामने जाने नहीं देना है, सामने आओ, नहीं जाने देना है। अरे आप है कौन? हम ऐसा ही करिश्मा से कहें, अब हमारा बात सुनो। देखिए, इसी तरीके से अगर टाइगर को बेहोश करने वाली किट यहाँ तक पहुँच जाए, तो हम इसे बेहोश करके रेस्क्यू टीम तक पहुँचा सकते हैं। नहीं नहीं, लेकिन इतना भीड़ के अंदर से जाके रेस्क्यू टीम तक हम पहुँचेंगे कैसे? एक काम करिए, आप बाहर जाइए और ऐसा प्रटेंड करिए जैसे कि हम एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। मैडम सर, कैसे कोई मान लेगा कि हम आपके खिलाफ हो? मानेंगे मानेंगे, आप बाहर जाइए, आप हमारी बुराई करिए, आप ऐसे बातें करिए जिससे ऐसा लगे कि टाइगर की वजह से हमारे बीच बहस हो गई और अब हम एक दूसरे के खिलाफ। ये बहुत आसानी से सब मान जाएंगे। अच्छा ठीक है, मान लिया कि हम यहाँ से निकल गए, हम रेस्क्यू टीम तक पहुँच गए, किट ले आए, बेहोश कर दिया टाइगर को, लेकिन बाहर कैसे पहुँचाएंगे ट्रक तक? वो सब हम आपको बाद में बताएंगे, पहले आप जाइए और इसे बेहोश करने का किट लेकर आइए। चाहिए चाहिए चाहिए, टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है मैडम, हो जाएगा हो जाएगा, ऑल द बेस्ट। लोरी तक ठीक है, इसको DJ बिल्कुल पसंद नहीं है बिलोटे। मैडम, मैडम सर, हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा है, लोग जंगल वंगल काटता कहाँ है? लोग जंगल काट रहे हैं तभी तो ये सब हमारे घर में घुस रहे हैं ना। लालच चीते लालच, जंगल काटने से तो बहुत सारा पैसा मिलता ही है, इनकी इलीगल स्मगलिंग का भी लाखों करोड़ों को कारोबार है। अगर हमने इन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं किया तो बहुत जल्द ये विलुप्त हो जाएंगे। मैडम सर, मैडम, इकबाल मेरे भाई, देखो हम सबको बचाने के लिए आया है। इकबाल, ये तेरा एहसान मैं जिंदगी भर याद नहीं रखूंगा। इकबाल करिश्मा सिंह का है। मैडम सर, ये बंदूक और ये बैग दे करिश्मा मैडम ने जबरदस्ती हमको अंदर भेजा। पहले तो हमने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं जाएंगे, फिर पता उन्होंने क्या किया? क्या क्या, इधर 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 पिस्टल लगाया, इधर हम डर के मारे अंदर आए। बस मैडम सर, ये कोई तरीका हो? नहीं, डरेगा तो जिएगा कैसे? जैसे तू जी रहा है तू। देखा देखा मैडम सर, आपने इकबाल के हाथों बैग और बंदूक भेज दिया और करिश्मा जी यहाँ से भाग गई। इसीलिए तो हम कहते हैं हमारे तो नसीब ही फूट गए जो हमें ऐसी बहुरानी मिली है। यहाँ उनकी सास बाघ को शांत करने के लिए लोरी गा गा के अपना गला सुखा रही है, मगर वो बिल्ली की तरह यहाँ से भाग गई। पुष्पा जी रिलैक्स, हम ही ने कहा था करिश्मा सिंह से भागने के लिए। अरे बाप रे बाप, संतु जी ना, हम ही ने उन्हें कहा था इकबाल को भेजने के लिए, क्योंकि फिलहाल हमें उसकी जरूरत है। क्लियर? तुम बंदूक दो। हाँ हाँ मैडम, आराम से इसको खोल दे रे। ठीक है, अभी आप लोग थोड़ी देर के लिए लोरी शांत ही रखिए, ठीक है, ताकि धीरे धीरे वो बाघ दरवाजे की तरफ पहुंचे और हम खिड़की से उसे शूट करके बेहोश कर सके। क्लियर? हाँ मैडम सर। मैडम सर, हम क्या कह रहे थे, अभी अभी बस हमारे सुर लगने शुरू हो गए थे, तो और थोड़ी देर लोरी गाते ना, बहुत मजा आ रहा था। पुष्पा जी, थोड़ी देर बहुत देर हो जाएगी ऐसे। हाँ हाँ। मैडम सर, अगर ये बेहोशी की गोली लगने से पहले टाइगर दरवाजा तोड़ के बाहर आ गया तो क्या होगा हमारा? संतोष जी, क्या होगा? क्या होगी? हम सब की मृत्यु। शुभ शुभ बोल रहे हैं, शुभ शुभ बोल रहे हैं यार। चुप कीजिए आप सब, कुछ नहीं होगा किसी को, उसके पहले हम उसे बेहोश कर देंगे, ठीक है? आप लोग डरना बंद करें। अरे क्या है मैडम सर, आप बार बार डरिए मत कह रही हैं। वो बाघ हमारे यहाँ तक आके गए। कैसे पुष्पा जी? पुष्पा जी, हम जानते हैं। Thank you.
पुष्पा जी खिड़की खोलो। क्या तो पुष्पा जी? नहीं 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 मैडम सर, वो हमारा हाथ ही नहीं पहुंचता। मेरा भी हाथ नहीं पहुंचता मैडम सर। चीता आओ आओ जल्दी आओ। मैडम सर हम हम मैडम सर हम आदमी भेज रहे हैं ना मैडम सर, लीजिए चाबी लौटे जा। जल्दी करो चाबी लौटे। खोलो 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 खोलो, धीरे से खोलना। हो गया। पक्का पक्का कितना प्यारा लग रहा है ना पीयूषी में। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, नया जन्म है हम लोग का। ओके बिल्लू चीता और इकबाल आप तीनों इसे उठाकर नवाब के किसी ट्रंक में रख दीजिए, ठीक है? मैडम सर वन क्वेश्चन, मतलब टाइगर को ट्रंक में रखते रखते उसको होश आया तो? मुझे अपनी फिक्र नहीं है, बस चीता की फिक्र है, इसीलिए। झूठा, इस तरह के बेहुदा सवाल करते रहना, वो जरूर होश में आ जाएगा। चलिए गेट टू वर्क, जल्दी जल्दी जल्दी। तुम चलो, तुम चलो, पता किधर ट्रंक आ जाओ। अब हमें सबसे पहले नवाब को सबक सिखाना है। कैसे? उसी की जबान में। इकबाल जाओ बाहर जाकर नवाब के आदमियों से कह दो कि टाइगर यहाँ से भाग चुका है। आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, बहुत बड़ा मुसीबत आ गया है, आपको बस हम आगाह करने आए हैं। मुसीबत? हाँ। अरे कैसी है मुसीबत? हसीना मलिक है ना, बाप रे बाप, इतना बड़ा गेम प्लान करके बैठी है, हमको पता ही नहीं था। आपकी हवेली नहीं है उस पर कब्जा करने वाली है वो, और ये बात खुद उन्होंने हमको बताई है। हमको लगा नवाब साहब आपको बता दे आके बस ये बात। कब्जा? अरे करिश्मा जी, अरे आप क्या मजाक कर रही हैं? अरे हम यहाँ के नवाब हैं, नवाब। अरे हमारी हवेली में ऐसे कैसे कौन कब्जा कर सकता है? वही वही हमने बोला नवाब साहब की हवेली पे आप कब्जा करेंगे तो बोले हम SHO हैं। SHO की पहुंच तो आप जानती हैं, एक कॉल लगाया समझिए आप बात को, उनको तो क्या जबरदस्ती करके कब्जा कर लेंगे, आप क्या कर लेंगे? हाँ अरे भाइयों, हसीना मैडम ना उस टाइगर को बचाना चाहती हैं, इसीलिए सब नाटक कर रही हैं। हम लोग चलते हैं, पूरी देखते हैं, चलते चलो भाइयों, चलो 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 आ जाओ। अरे कैसे यार है, ऐसे कैसे भाग गया है? निकालो 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 निकालो। तुम लोग अंदर जाके टाइगर को देखो, जाके जाओ जी। अरे किसकी हिम्मत हुई हमारा सामान बाहर फेंको? अरे 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 किसकी जुर्रत है सब सामान? अरे दरवाजा टूट गया। पुष्पा जी, अरे आपके होते हुए सब क्या हो रहा है? कब्जा। जी नवाब साहब, कब्जा? हमने आपकी हवेली पर कब्जा कर लिया, इसलिए अब ये हवेली हमारी हुई। तो फिर हमारी हवेली में आपका सामान क्या कर रहा है? नवाब साहब, नवाब साहब, सच में वो बाघ अंदर नहीं है। बाघ को भगा दिया, हमारी हवेली पर भी कब्जा करना चाहती हो? मैडम कुछ भी हो जाए आप हमारी हवेली पे कब्जा नहीं कर सकती हैं। अच्छा
देखा देखा, अरे भाइयों देखा हैं? अरे पुलिस होती है जनता की रक्षा के लिए, लेकिन ये पुलिस हमारी हवेली को कब्जा कर रही है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। एक मिनट, क्या नवाब साहब, आपके पास तो 50 हवेलियां हैं, एक हवेली को हमने हथिया लिया तो कौन सी बड़ी बात होगी? अरे वाह 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 हैं? अरे मैडम जी, अरे हमारे पास 100 हो 150 हो आपसे क्या मतलब, अरे हम किसी भी हवेली में रहे लेकिन आप एक भी हवेली कब्जा नहीं कर सकती हैं। अरे हम नवाब हैं, नवाब हमारी पहुंच ऊपर तक है, हम कंप्लेन करेंगे, छोड़ेंगे नहीं आपको। हैं क्यों भाइयों? नहीं छोड़ेंगे। शांत हो जाइए नवाब साहब, हम भी आपको कब से यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान हो या जानवर, अगर हम उसके घर में घुसेंगे तो उसे भी गुस्सा आएगा। और नवाब साहब आप इंसान हैं, आप तो हमारे खिलाफ कंप्लेन कर भी सकते हैं, लेकिन उन बेजुबान जानवरों का क्या, वो कहाँ जाएंगे, वो किस थाने में FIR लिखवाएंगे? आपने जिस बिल्डर को जंगल बेचा था वो उस जंगल को उखाड़ कर वहां पर एक टाउनशिप खड़ी करने वाला है। और बात यहाँ सिर्फ जानवरों की नहीं है, बात है प्रकृति के संतुलन की। जिस तरह से हमें प्रकृति की जरूरत है अपना संतुलन बनाए रखने के लिए, ठीक उसी तरह प्रकृति को जानवरों की जरूरत है। अगर हम उनका घर उजाड़ देंगे, अगर हम उनका जंगल काट देंगे तो वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? और आप आने वाली पीढ़ी को यही देना चाहते हैं नवाब साहब, आप यही सिखाना चाहते हैं उन्हें। हसीना जी, हमें अंदाजा हो गया है कि हम कितना बड़ा गुनाह करने जा रहे थे, पर ये नवाब आपसे वादा करता है कि हम अपनी जमीन पर ना तो कोई बिल्डिंग बनने देंगे ना ही कोई जंगल कटने देंगे। पुष्पा जी, जी हमारा सामान अंदर रखवा देना। जी जी हाँ रखवा देंगे। चलो भाइयों। अरे करिश्मा सिंह जी, मैडम सर हमने नवाब के खिलाफ जो FIR लिखने को आपको कहा था उसका रजिस्टर ही हमें नहीं मिल रहा है, आपके पास है तो प्लीज दे दीजिए ताकि हम जल्दी से साइन करके ये केस क्लोज करें। नहीं लिखा हमने FIR। क्यों? क्योंकि बुलबुल पांडे ने FIR लिखना बंद कर दिया है ताकि वो बेस्ट थाना कॉम्पिटिशन जीत सके, तो हम काहे लिखें, हमें भी जीतना है। करिश्मा सिंह, बुलबुल पांडे कुछ भी करे उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, हम ये कंपटीशन जीते या ना जीते, लेकिन हम कोई भी काम गलत तरीके से नहीं करेंगे। हम ये आपको लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, अगर फिर से आपने ऐसा कुछ किया तो हमें आपके अगेंस्ट एक्शन लेना होगा। क्लियर? जी। कंप्लेंट लिखने आए हो? नहीं, स्कूल में एडमिशन कराना है। हाँ ओके 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 फाइन। हाँ तो अब रिपोर्ट लिख ले। जी चैन चोरी हो गई है। हमेशा पहन के रखते थे? ना ना मैडम, मैं तो कभी कभी पहनता था, मेरी बीवी इतना मना करो फिर भी चैन पहन के निकलती है। आपकी चैन? अपनी चैन मैडम, मार्केट गई थी वहां से किसी ने उसकी चैन छीन ली। तो रिपोर्ट किसके खिलाफ लिखनी है, आपकी बीवी के खिलाफ या जिसने आपकी चैन चुराई उसके खिलाफ या जिसने आपकी बीवी की चैन चुराई उसके खिलाफ? मैडम जिसने मेरी बीवी की चैन छीनी उसके खिलाफ।
क्या है मैडम, जब से चैन चोरी हुई है मैडम, तब से मेरी बीवी ने बेचैन करके रखा है। अब क्या बताएं, हमारी बहू रानी भी ऐसी है। पुष्पा जी, रिपोर्ट लिखवाने के लिए इतनी बड़ी लाइन, आपने क्या ऑफर दिए क्या, एक के ऊपर एक फ्री? बक चारो खोल जाओ, काम करने दो हमें। करो करो काम करो, बहुत ज्यादा काम है आज। हाँ तो बताइए, किसके खिलाफ आपको कंप्लेन रजिस्टर करना है? सोसाइटी के खिलाफ। क्यों? पानी का प्रॉब्लम मैडम जी। देखो मैडम, पानी का ना बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। आपके यहाँ भी? हाँ। कौन से एरिया में रहती हैं आप? गौतम नगर के पास। मैं भी वहीं पे रहती हूँ, आपको पता है। अच्छा एक बात बताइए, कोई अच्छा कारपेंटर है क्या आपकी नजर में? मेरे घर पे दरवाजे से ना 3 महीने से कुचर कुचर की आवाज आ रही है, कारपेंटर ठीक नहीं कर पा रहा है, परेशान। संतोष जी, पर्सनल लेवल पर बाद में बतिया लीजिएगा, फिलहाल एफ आई आर लिखिए ना प्लीज। हाँ, अगर आपको वहाँ से फुर्सत मिल गई तो मेरी भी सुन लीजिए। देखिए जो मामला है, ये मामला है गौतम नगर का। और आपकी बीवी की चेन कहाँ चोरी हो गई? गौतम नगर। गौतम नगर? जी भाई साहब, गौतम नगर हमारे थाना क्षेत्र में नहीं आता, और कानूनन जिस क्षेत्र में अपराध हुआ हो ना, उसी क्षेत्र के थाने में रिपोर्ट लिखाई जाती है। तो ये जो गौतम नगर है ना, वो जानकीपुरम एरिया में आता है। तो वहाँ के SHO है बुलबुल पांडे जी, वहाँ जाके रिपोर्ट लिखाइए। हाँ नहीं नहीं मैडम, पहले वहीं गए थे, फिर उन्होंने कहा कि यहाँ जल्दी इंसाफ मिल जाएगा, इसलिए यहाँ आ गए मैडम। मुझे भी यही कहा गया था। हाँ हाँ, मुझे भी यही बोला था। पुष्पा जी, हमने बोला था ना, कुछ तो गड़बड़ है। करिश्मा जी को बताना पड़ेगा। बताओ। छोटी बड़ी सभी FIR के लिए महिला पुलिस थाना जाइए, अपनी समस्या का समाधान पाइए। चलिए मारिए, आगे बढ़िए, मारिए। अरे हंटर वाली 77, आप हमारे थाने में आए, हमारा सौभाग्य है। मनोज, हमारा मतलब हम मनोज सर, अगर उनके आने से हम दुखी होते हैं तो हम मनोज ही है ना? ना मतलब हमेशा यूं बच्चन साहब की तरह एंट्री करने का कौन जरूरत है, कभी कभार सोपर एंट्री भी कर लिया करो। हैं साहब, साहब यह हमको कंप्लेंट लिखवाना था साहब। कौन लिखेगा? अनपढ़ गवार, ये अंगूठा छाप। हमारा मतलब सर ये बताइए, अंगूठा छापी है ना, इतना बड़ा नोटिस आपने बाहर लटका रखा है, फिर भी अंदर आके पूछ रहा है कंप्लेन कौन लिखेगा? अरे भाई काहे अपना समय बर्बाद कर रहे हो यहाँ कंप्लेन लिखवा के, महिला पुलिस थाने जाओ भैया, काहे कि वहाँ पे तुम्हारा समस्या का निवारण यूं यूं चुटकियों में हो जाएगा। एड्रेस मालूम है कि नहीं? वहाँ पे लिखा है, देखो तुम्हारा जैसे लोगों के लिए, पढ़ के निकल लो ना। मतलब करिश्मा जी, थैंक यू बोलने का कोनो जरूरत ना है, हम आप पे कोनो एहसान नहीं कर रहे हैं, यहाँ का केस आपका महिला पुलिस थाने भेज कर, कहे कि हमको आपका महिला पुलिस थाने पे पूरा भरोसा है, आपका एफिशिएंसी पे पूरा भरोसा है, कहे आप लोगों का तो खासियत है ना ऐसा छोटा मोटा रेजगारी का केस सुलझाने का, है कि नहीं? समझ रहे हैं हम बहुत बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि आपके दिमाग में जो है ना वो क्या चल रहा है बुलबुल पांडे जी। ये जो केसेस हमारे महिला पुलिस थाना में ट्रांसफर हो रहे हैं ना, इससे तो यही साबित होता है आधिकारिक रूप से कि हमारे यहाँ केस जो है उसका अंबार आया हुआ है, जिसका मतलब ये है कि हमारे आसपास का जो एरिया है वहाँ पे क्राइम ग्राफ जो है वो इतना बढ़ गया है, और उसकी एक ही वजह हो सकती है हमारे महिला पुलिस थाना की निकम्मी पुलिस। हाँ नहीं मतलब ऐसी पुलिस जो इस प्रतियोगिता में जीतना तो क्या भाग लेने के भी लायक नहीं है, इससे आपका रास्ते का जो कांटा है जो हम बने हुए हैं वो तो साफ हो गया ना, आपकी जीत तो पक्की हो गई, यही चल रहा है ना आपके दिमाग में? अब हम बताते कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि ये जो प्रतियोगिता है ना,
ये इस जन्म में तो क्या किसी जन्म में हम तुमको जीतने नहीं देंगे, समझ गए? और ये हमारा तुमसे वादा है, और ये पूरा लखनऊ जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। जय हिंद। शॉट मारा है मैडम ने। मायने खेल नहीं, खेल का नतीजा रखता है। लगा लेने दो जितना शॉट लगाना है। हम भी देखते हैं कि कैसे ही महिला पुलिस थाने वाले बेस्ट थाना प्रतियोगिता जीतते हैं। क्या? एक सेकंड, आप सबके कहने का मतलब है कि आज से हम इस थाने में केसेस लेना बंद कर दें? नहीं नहीं मैडम सर, केसेस लेना बंद नहीं करेंगे, केसेस का FIR लिखना बंद कर देंगे, ये कह रहे हैं हम। पॉइंट है ना पुष्पा जी? लेकिन बिना FIR के अगर हम केसेस इन्वेस्टिगेट करेंगे तो वो तो अनऑफिशियल हो गया ना, और अगर हम खुद ही रूल्स ब्रेक करेंगे तो फिर हम आम आदमी के लिए एग्जाम्पल कैसे सेट करेंगे? ये भी पॉइंट है। क्यों पुष्पा जी? आम आदमी को इंसाफ से मतलब है। ऐसे कितने सारे केसेस हमने सॉल्व किए जिनका हमने FIR नहीं लिखा लेकिन इंसाफ मिला, किसी को नहीं पड़ी है। क्यों पुष्पा जी? हम सही कह रहे हैं ना। अब बात आ गई है हमारे थाने के स्वाभिमान की। हम इस कंपटीशन से सिर्फ इसीलिए बाहर हो जाए क्योंकि भैया हमारा थाना चलता है मैडम सर का जंग लगा जज्बात और उनका आउटडेटेड आइडियोलॉजी की वजह से। हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, हम ये कॉम्पिटिशन जरूर जीतेंगे। पुष्पा जी आप कुछ बोल काहे नहीं रही हैं, चुप क्यों खड़ी हैं? अब क्या है ना कि हमें ये कॉम्पिटिशन नगद पुरस्कार या किसी इनाम के लिए नहीं जीतना है मैडम सर, हमें ये कंपटीशन इसलिए जीतना ताकि हम ये साबित कर सके कि समाज को महिला पुलिस थाने का भी उतना ही जरूरत है जितना पुरुष थाना का है। हम सही कह रहे हैं? अब इसके लिए चाहे हमको कुछ भी करना पड़े हम कर देंगे। वैलिड पॉइंट। क्यों पुष्पा जी? तजुर्बा कहता है हमारा, सच को साबित करने के लिए अगर झूठ का सहारा लिया जाए तो सच भी झूठ ही बन जाता है, और ऐसा तो हम हरगिज नहीं होने देंगे। सॉरी मैडम सर, लेकिन इस बार करिश्मा मैडम सही बोल रही है, जैसे को तैसा तो होना ही चाहिए ना। पुष्पा जी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? बिल्कुल सही बोल रही हैं संतु जी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। मैडम सर अगर हक जानवर का मारा जाना ना तो भी पलट के वार करता है, तो हम लोग अपना अधिकार इसे कैसे जाने दें? और पुष्पा जी आप कहे चुप है, कुछ बोलिए ना। अरे बोलिए ना पुष्पा जी। हम कब से बस बोलिए ना किए जा रहे हो तुम तीनों, हमें कुछ बोलने का मौका भी तो दीजिए ना। मैडम सर इस बार पहली बार हम करिश्मा जी जो कह रही है ना उससे सहमत है। बुलबुल पांडे जैसे लोगों के साथ ऐसा ही किया जाना चाहिए, इसी लायक होते हैं ये लोग। और हम आई एम बिलू द स्पाई, मैं आज करिश्मा मैडम के साथ हूँ। हमें यकीन नहीं हो रहा है कि आप सब ऐसा कह रहे हैं। और एक मिनट, ये कोई सोसाइटी की मीटिंग नहीं चल रही है कि यहाँ पर मेजॉरिटी वोट्स के हिसाब से फैसले लिए जाएंगे। ये एक पुलिस थाना है, यहाँ जो कुछ भी किया जाएगा कानून के दायरे में रहकर किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर आने वाले हर आदमी की कंप्लेन ली जाएगी, उसकी प्रॉपर ऑफिशियल FIR की जाएगी और उसी के बिना पर सारे एक्शन लिए जाएंगे, और ये हमारा ऑर्डर है। क्लियर? क्लियर जी मैडम। गुड। सर क्या फायदा साथ देने का? अब क्या करेंगे? नहीं, हम नहीं चलने देंगे मैडम सर का मनमानी इस बार। उनका ये जज्बात और आइडियोलॉजी की वजह से ना हम अपने थाने का आत्मसम्मान का आहुति नहीं चढ़ने देंगे। ये कंपटीशन हम किसी भी हालत में जीतेंगे बस। लेकिन कैसे मैडम? कुछ चल रहा है हमारे दिमाग में, बताते हैं तुमको।
ऐसे ऐसे ऊपर देख के चलो ऐसे ओनर की लग गई, शॉप की लग गई, शॉप तब से बंद है, एक बोतल तक नहीं छोड़ी मैडम। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा भूतहा जगह पर हम लोग करेंगे का? तुम सबसे पहले हमको ये बताओ, तुमने संतू को तो कुछ नहीं बताया ना? मैडम आपके कहने पर ही पाप तो हम कर दिए हैं। मतलब बता दिया? नहीं मैडम, संतू जी को नहीं, नहीं बताने का पाप मैडम, नहीं बताया संतू जी को। लेकिन एक चीज हमारे समझ में ये भी नहीं आ रहा है कि मैडम आप लोग ये सारा बात संतू से छुपा कहे रही हैं। कहे रही हैं मतलब क्या कहे रही हैं? तुमको नहीं पता है क्या संतू का आदत पेट में मरोड़ा जाता उसका, जब तक सच का उल्टी नहीं कर देती तब तक उसका पेट का दर्द सही नहीं होता है। हम नहीं चाहते उसका उल्टी की वजह से हमारा प्लान उल्टा हो जाए, समझ रहे हो? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, इतना गुस्सा मत कीजिए। बताइए आपका प्लान क्या है, कुछ सोचा है आपने दिमाग में? अगर है तो बताइए। दिमाग? प्लान? हाँ प्लान प्लान। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। यहाँ कैसे हो सकता है बताइए? जी कहिए क्या काम है? एसपी मिलेगा? ऐसे कहते हैं, इज्जत से बात करो। एसपी सर मिलेंगे क्या ऐसा पूछो, और वो यहाँ कैसे मिलेंगे? वो तो नहीं है, नो प्रॉब्लम, दूसरा ब्रांड भी चलेगा, शिक्षक है। शिक्षक? शिक्षक? रखी रखी फोन रखी, शिक्षक पूछ रहे हैं। फोन रखा। अरे का शिक्षक शिक्षक, बोला ना बिल्ले ने ये वाइन शॉप है तो दारू ही मांगेगा ना वो। अब सुनिए, प्लान सुनना ना सबको, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ तो इधर आइए इधर। प्लान ये है कि हम ये अपना पर्सनल थाना खोलने वाले हैं। हाँ मतलब कि केसेस आएंगे लेकिन FIR नहीं होगा, मैडम सर को बिल्कुल पता नहीं चलेगा इस बात का। मतलब केसेस आएंगे, केसेस सॉल्व होंगे, रजिस्टर्ड नहीं होंगे, अनऑफिशियल चीजें चलेंगी। समझ में आ गया सबको? क्या ये क्या क्या कह रही हैं आप? ये कह रहे हैं कि यहाँ पे पर्सनल थाना खुलेगा, हम यहाँ पे केसेस सॉल्व करेंगे और मैडम सर को पता नहीं चलेगा, ये कह रहे हैं हम। नहीं नहीं, ये ऐसे कैसे हो सकता है? मैडम सर को पता चल गया तो? पता चल गया तो क्या हम सब लोग सलाखों के अंदर और क्या? और मैं हमेशा के लिए सलाखों से बाहर, मेरी बिल्लियों से मेरी छुट्टी। हे भोलेनाथ, हमारी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई जो हमने इनका साथ देने के बारे में सोचा। हमको तो पहले से पता था आपके और हमारे सितारे ना कभी मिल नहीं सकते। जिंदगी में पहली बार आपका साथ देने के बारे में सोचा और देखो हमारी नौकरी पर आ बनी। प्रतियोगिता भी आप सबको ही जीतना है, हमको अकेले को नहीं जीतना है, और अगर जीतना है तो ऐसे ही काम चलेगा। सवाल अब ये उठता है कि हमारा साथ कौन कौन देगा। मैडम हम तो आपके साथ हैं। मैडम हम नहीं बोल रहे, मैडम हम नहीं बोले, हम नहीं बोले, बिलौटे के तकले कसम मैडम, हम नहीं है कसम। मैडम चीते को मत बोलो कुछ भी, चीते ने मुझे कुछ नहीं बताया, मैं खुद यहाँ पर आई हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों पर डाउट हो गया था कि मेरे बिना आप लोग खिचड़ी पका रहे हो, इसीलिए मैंने आपका फोन ट्रेस किया। ना कि सिर्फ इस लोकेशन पे पहुंची बल्कि मैंने आपका प्लान भी सुन लिया। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप मुझे अपने प्लान में शामिल कर लो या तो आप प्लीज अपने प्लान में शामिल कर लो। मैडम मैं आपके बिना अकेले क्या ही करूंगी? आप शामिल नहीं करोगे, घर पर जाऊंगी, आधा घंटा रोऊंगी। रोइए मत संतू जी, रोइए मत आप। अभी नहीं रो रही है, पाप आप ही को लगेगा मैडम, प्लीज शामिल कर लो ना। और रही बात पेट दर्द की तो आई प्रॉमिस मैं कंट्रोल करूंगी। पक्का? हाँ मान गई मैडम सर, मान गई संतू जी, आप टीम में हैं। मान गई कब? हाँ बोल, हाँ बोली बोली। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू मैडम, आप टीम है। संतोष जी प्लान में शामिल है, सब सब हो गया है, लेकिन सवाल ये है कि उस थाने की कंप्लेन इस थाने में ट्रांसफर कैसे होगी? उसके लिए भी हमने कुछ सोचा है। तैयार? बिल्कुल तैयार। किसी को भी थाने के अंदर जाने नहीं देना है, क्या समझे? किसी को भी थाने के अंदर जाने नहीं देना है। बहाने से चाय की दुकान पर लाना है, आगे से मैं संभाल लूंगा। दोनों बागड़ बिल्लो सुनो, किसी को भी मतलब किसी को भी
मैं तो किसी को भी अंदर जाने नहीं दूंगा बैडमैन। हाँ हाँ ठीक है, ओके ओवर एंड आउट। मिशन हल्ला बोल। मैडम आज छुट्टी। मैडम छुट्टी, आज छुट्टी, आज मैडम आप घर पे आराम कीजिए बस। क्या, अरे क्या बोल रहे दोनों, हटो साइड में जरा। छुट्टी आज छुट्टी, घर पे जाइए। बिल्लू। हाँ मैडम सर। क्या हो रहा है सब? वो एक्सरसाइज, ये साइज बढ़ गया ना इसीलिए। तन की शक्ति के लिए योगा करना बहुत जरूरी है इसीलिए। मैं बिल्ले जाने ही मना किया था ना। अरे अंकल के खाली पतीलू, मैडम सर को क्यों रोका? तो तूने ही बोला था ना किसी को, मतलब किसी को भी। अबे चपड़ के जो मैडम सर को रोकने लिए कलेजा लगता है। चलो कि नहीं, दिमाग लगता है। मैंने क्या कहा था, अंदर थाने में रिपोर्ट लिखवाने जो जाएगा उसको रोकना है, थाने वाले को नहीं। तुम समझ गए? हाँ, हाँ। किसको रोकना है? जो जो रिपोर्ट लिखवाने जाए उनको रोकना है। ओके डन। फॉर एन आउट। गोलगप्पे वाला जा रहा है थाने की तरफ, रोके उसे। अरे फिर वही, तुम दिमाग से पैरल हो क्या? अरे वो गोलगप्पे वाला है, अपना धंधा करेगा, निकल जाएगा, जाने दो उसको। जा रहा है, चला गया वो। देखो देखो, उसने अपना सामान नीचे रखा, अभी धंधा करेगा, गोलगप्पा गोलगप्पा और निकल जाएगा। अंदर के अंदर। देख बिल्ले हो गए तसल्ली। हाँ अरे वो गोलगप्पा वाला देख, अंदर रिपोर्ट लिखवाने गया है। हाँ बड़ा आया तू बिल्लू द स्पाई। अगर इसने एफआईआर कर दी तो बिल्लू द स्पाई करिश्मा मैडम तुझे कर देगी हमेशा के लिए बाय बाय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.